नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल की हवा खा रहे महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक लेटर बम फोड़ रहे हैं। सुकेश अब अपने वकील और दिल्ली के उपराज्यपाल को कई पत्र लिख चुके हैं। उसके पत्रों से सियासी पारा बढ़ गया है। लेटर में सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने लिखा है, गोवा और पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने मुझसे पैसे मांगे थे और अब मैंने उन्हें पैसे दे भी दिए। सुकेश ने इस लेटर में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। महाठग ने अपने पत्र में आगे लिखा कि अगर मैं झूठा हूं तो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन मुझे केस वापस लेने का दबाव क्यों डाल रहे हैं। सुकेश ने लिखा कि इस मामले में मैंने बहुत से खुलासे करने बाकी हैं, लेकिन अगर ये राज खुल गए तो काफी पर्सनल हो जाएंगे। सुकेश ने 3 पेज का लेटर बम जारी किया है, जिसमें उसने आरोपों के सवालों के जवाब दिए हैं। पहला, केजरीवाल के साथी कह रहे हैं कि ये सब जानबूझकर किया गया है, ये अब चुनाव के दौरान ही क्यों किया जाता है, जब मुझसे ईडी और सीबीआई ने जवाब तलब किए तब मैं क्यों नहीं बोला। सुकेश ने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा और मैं आपको बता दूं कि मैं चुप रहा और सब कुछ नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जेल के माध्यम से मुझे मिल रही आपकी लगातार धमकियों और दबाव के कारण मुझे मुंह खोलना पड़ा। आपने और जैन ने मुझे पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए दबाव डाला, जबकि मैं जेल में बंद हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में कानून का सहारा लेना पड़ा। तो आप अपने पुराने स्टाइल के इस नाटक को बंद करो, ये बहुत स्पष्ट है और सभी देख सकते हैं कि आप इस मुद्दे को छुपाने और मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, केजरीवाल जी, क्यों मिस्टर जैन मुझसे लगातार जेल डीजी संदीप गोयल और जेल प्रशासन के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने को दबाव डाल रहे थे? मुझे चुनाव प्रचार के लिए और पार्टी फंड देने के लिए दबाव डालने के अलावा लगातार धमकी क्यों दी गई? आप इस जांच से क्यों डर रहे थे? अगर आप सच्चे थे तो मुझ पर शिकायत वापस लेने का दबाव क्यों डाला? तीसरा, केजरीवाल जी, मनीष जी ने कहा है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में मेरी मदद की जा रही है, मुझे इसका उत्तर देने में खुशी होगी। दुर्भाग्य से ये बहुत गलत आरोप है, मुझे किसी की मदद में कोई दिलचस्पी नहीं है और सौभाग्य से मैं खुद के लिए बहुत सक्षम हूँ अपने मामले को संभालने और खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए, तो इसलिए ऐसी बातें बोलकर मामले को डाइवर्ट ना कीजिए, मुझे किसी की कृपा की जरूरत नहीं, आप स्पष्ट जवाब दीजिए। इससे पहले सुकेश ने एक और लेटर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को लिखा था। इसमें महाठग ने सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में दावा किया था कि उसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा कि सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया, दबाव के चलते 2-3 महीनों के अंतराल में 10 करोड़ की राशि मुझसे वसूल की गई। सुकेश ने दावा किया कि पूरा पैसा कोलकाता के सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी द्वारा लिया गया, इस तरह से मैंने सत्येंद्र जैन की 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।